हाँ जी दोस्तों, तो बढ़ते हैं दूसरे यूनिट की तरफ। यूनिट नंबर टू, वैल्यू ऑफ सप्लाई। बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर फाइव चल रहा है जिसका नाम क्या है, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। चैप्टर नंबर फाइव हमारा टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसमें से टाइम ऑफ सप्लाई को बांटा गया था यूनिट वन के अंदर, जो हमने बखूबी खत्म कर लिया। अब यूनिट नंबर टू है हमारा, जिसमें हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई का। तो जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई मीन्स व्हाट, कि जो भी सप्लाई किया जा रहा है, चाहे गुड्स या सर्विसेज या बोथ, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी कीमत क्या होगा, ठीक है ना। अब वैल्यू या कीमत क्यों इंपॉर्टेंट है डिटरमाइन करना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जीएसटी। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक टैक्स है, ये क्या है, एक टैक्स है जो कि कंप्यूट किया जाएगा किसी ना किसी वैल्यू के ऊपर। इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा किसी ना किसी वैल्यू के ऊपर, और वो वैल्यू क्या होगा, वो प्राइस जो कि आप उस गुड्स या सर्विसेज के लिए पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, एज द केस में भी, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ कि जीएसटी, जैसे कि आपको पता है कि एक एड वेलरम ड्यूटी होती है, मतलब कि किसी ना किसी वैल्यू के ऊपर एक एडिशनल टैक्स लगाया जाता है, किसी ना किसी वैल्यू के ऊपर एक एडिशनल टैक्स लगाया जाता है। और वो टैक्स बेसिकली कैसे होता है, इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, चाहे वो 5% है, चाहे 12%, चाहे 18, चाहे 28, एज द केस में भी। तो इन केस अगर आपको पता है कि सपोज इस सप्लाई के ऊपर 5% का आपका टैक्स लगेगा, तो ये 5% किस पे लगाओगे, इस 5% को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी वैल्यू से, किसी अमाउंट से। तो ये अमाउंट क्या है, वो अमाउंट आप निकालना सीखोगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, जो कि डील करता है आपका सेक्शन नंबर 15, वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो कि आपको निकालना बताएगा कि किस तरीके से आप सप्लाई की वैल्यू को निकालते हो, क्या चीजें उसमें जोड़ते हो, क्या चीजें उसमें से हटाते हो, क्या चीजें नहीं जोड़ सकते हो, क्या चीजें नहीं हटा सकते हो, ये सारी बातें सेक्शन नंबर 15 बता के चलेगा विद सम कंडीशन, ठीक है ना। तो उसको अपन लोग डिटेल में अभी देखेंगे इस यूनिट के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका ओवरव्यू हो गया कि क्या हम इसके अंदर करने जा रहे हैं। तो अपने को चाहिए क्या, कि जो भी सप्लाई हुआ है गुड्स का या सर्विसेज का, उसकी वैल्यू क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसका अमाउंट क्या है, जिसके ऊपर हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज ऑफ टैक्स, और हमारा निकल के आ जाएगा कि क्या टैक्स पेबल है, ठीक है। तो यूनिट का ओवरव्यू देखें, तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे। अब उसमें जो मैंने कंडीशन बोला था, वो कंडीशन यही है कि हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई ना मल्टीपल सिनेरियो के अंदर हो सकता है, मतलब कि अगर हम सप्लाई कर रहे हैं किसी रिलेटेड पर्सन को तो कैसे निकलेगा, अगर हम सप्लाई कर रहे हैं किसी अनरिलेटेड पर्सन को तो कैसे निकलेगा, अगर जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसके बदले जो हमें कंसिडरेशन मिल रही है वो मिल रहा है इन फॉर्म ऑफ प्राइस ओनली, ठीक है। मतलब कि सिर्फ आपको कंसिडरेशन जो है वो मॉनेटरी फॉर्म में मिल रहा है, प्राइस की फॉर्म में मिल रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कंसिडरेशन जो मिल रहा हो वो नॉन मॉनेटरी फॉर्म में मिल रहा हो। तो मुद्दा क्या हुआ कि मल्टीपल वैरायटी हो सकती है आपकी सप्लाई के, मल्टीपल काइंड ऑफ सिचुएशंस हो सकते हैं। हम जो यहां बात करेंगे सेक्शन नंबर 15 के अंदर, वो किसकी बात करेंगे कि अगर हमने सप्लाई किया किसको, अनरिलेटेड पर्सन को, रिलेटेड नहीं होना चाहिए, आपके रिश्तेदार वगैरह नहीं होने चाहिए, या किसी और सेंस में भी आपसे वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए, ठीक है सर। और दूसरा कि उसके बदले जो आपको कंसिडरेशन मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कैसे मिल रहा है, मॉनेटरी फॉर्म में मिल रहा है, प्राइस की फॉर्म में मिल रहा है। अगर ये दोनों सिचुएशन लगेंगी, ये दोनों सिचुएशन अगर फुलफिल होता है, तब जाके वहां पे सेक्शन नंबर 15 अट्रैक्ट होता है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तब जाके वहां पे सेक्शन नंबर 15 अट्रैक्ट होता है। अब अगर आप पूछो कि सर रिलेटेड पर्सन होगा तो उस केस में भी तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी पड़ेगी, तब कैसे निकालेंगे, तो उस केस में आपको कैसे निकालना है वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो बातें बता रखी है रूल्स के अंदर। चैप्टर नंबर 4 के कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स के अंदर आपको बता रखा है कि अगर इन दोनों के अलावा, इन दोनों के अलावा और कोई भी सिचुएशन निकल के आएगी तो उस केस में सेक्शन 15 तो आपका काम नहीं कर पाएगा। तो आप जाके देखोगे कि उसके लिए रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, और उस रूल्स में जो तरीके बताए गए हैं उसके माध्यम से आप अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई कंप्यूट करोगे। रही बात इन रूल्स की, तो ये रूल्स आपको पढ़ने हैं आपके फाइनल में जाके, आपके इंटर लेवल में आपको ये रूल्स नहीं पढ़ाए जाएंगे। इंटर लेवल में आपको सिर्फ और सिर्फ बताया जाएगा कि अगर अनरिलेटेड पर्सन है और कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ मनी आ रही है तो सेक्शन 15 क्या प्रोसीजर बताता है, क्या तरीके, क्या प्रोविजन बताता है, जिसके माध्यम से आप कैलकुलेट करते हो वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। इसके अलावा कोई और सिचुएशन होगी तो उसके इसमें रूल्स लगता है, और वो रूल्स आपको यहां पे नहीं बताए जाएंगे, वो बताए जाएंगे आपको आपके फाइनल लेवल पे, ठीक है। तो क्या बात कर रहे हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इस यूनिट में क्या पढ़ना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके अंदर हम देखेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन विद
प्राइस एज द सोल कंसिडरेशन, यहां पे जो कंसिडरेशन है वो क्या है, प्राइस के फॉर्म में है, मनी के फॉर्म में है, नॉन मॉनेटरी कोई और ऐसा कुछ नहीं है, या ऐसा नहीं है कि पार्ट मॉनेटरी हो पार्ट नॉन मॉनेटरी हो, इस टाइप के जितने भी सिचुएशंस बनेंगे वो सारे डील किए जाते हैं रूल्स के अंदर, सेक्शन 15 के अंदर डील नहीं किए जाते और उसको अपन लोग यहां पे पढ़ के नहीं चलेंगे। ठीक, और अपने को क्या देखना है कि जब हम ये वैल्यू निकालेंगे तो उस टाइम में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएंगी और क्या क्या चीजें एक्सक्लूड किया जाएगा, उसके प्रोविजन को पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर जोड़ी जाएंगी और क्या क्या चीजें उसमें से लेस कर दी जाएंगी या ऐसा कह लो कि इंक्लूड नहीं की जाएंगी, एक ही बात है। और तीसरा आपको एरिया पढ़ना है डिस्काउंट का, कि कितने कितने टाइप्स के डिस्काउंट हो सकते हैं, कौन से डिस्काउंट को जोड़ा जाता है, कौन से डिस्काउंट को नहीं जोड़ा जाता, कौन से डिस्काउंट ऐसे होते हैं जो कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या फिर एट द टाइम ऑफ सप्लाई या फिर बिफोर सप्लाई आपको पता होते हैं, कौन से डिस्काउंट ऐसे होते हैं जो कि आफ्टर सप्लाई या पोस्ट सप्लाई आपको पता लगते हैं और उनके साथ कैसे डील करना है, ये पैरामीटर भी आपको यहां पे सीख के चलना है। तो ये तीन एरिया है जो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो बेसिक्स मैंने आपको बता दिया, वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया, वही बेसिक्स कुछ आपके इंट्रोडक्शन के अंदर लिखी हुई है, एक बार रीड कर लेते हैं और अगर कुछ छूटा होगा तो उसको कवर अप करके चलेंगे। क्या कह रहा है, जीएसटी इज पेबल ऑन, अब जीएसटी जो है वो दो चीजों पे आपकी पे होती है, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन। पहला क्या है कि भैया सप्लाई होना चाहिए, जीएसटी कब पे होगा, जब सप्लाई होगा किसका, गुड्स या सर्विसेज का, किसके लिए, फॉर अ कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब कि सप्लाई होना चाहिए विद कंसिडरेशन तो आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। दूसरा आपने सिचुएशन ऐसा भी देखा है कि कई सिचुएशन ऐसी है जहां पे सप्लाई तो होती है और वहां पे कंसिडरेशन नहीं होता, स्टिल आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, जो कि आपने पढ़ा था शेड्यूल वन के अंदर। ठीक है, वो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। तो मुद्दा क्या हुआ कि सप्लाई विद कंसिडरेशन भी होती है तब भी जीएसटी पे करना पड़ता है, और कुछ सिनेरियो ऐसे हैं जहां पे सप्लाई जो है वो विदाउट कंसिडरेशन होती है और स्टिल आपको जीएसटी पे वहां पे करना होता है। ठीक है सर, आगे, अ जीएसटी इज एन एड वैलोरम लेवी, दैट इज इट इज लेविड एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, इट बिकम इंपॉर्टेंट टू नो, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो गया, हाउ टू अराइव एट द वैल्यू ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड, मतलब कि किस वैल्यू के ऊपर आपको टैक्स पे करना है, किस वैल्यू के ऊपर आपको परसेंटेज कंप्यूट करना है, वो वैल्यू कैसे आएगी, वो बहुत जरूरी है निकालना। प्रोविजन रिलेटिंग टू वैल्यू ऑफ सप्लाई सेट्स आउट टू बी मैकेनिज्म टू कंप्यूट सच वैल्यू बेसिस विच सीजीएसटी एंड एसजीएसटी यूटीजीएसटी इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई और आईजीएसटी होगा इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई शुड बी पेड, मतलब मुद्दा है कि टैक्स हम जो पे करेंगे वो किस वैल्यू के ऊपर कंप्यूट करेंगे, चाहे वो इंट्रा स्टेट सप्लाई की सिचुएशन हो चाहे वो इंटर स्टेट सप्लाई की सिचुएशन हो। नाउ सेक्शन 15 आया, सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट सप्लीमेंटेड विद रूल्स, मतलब कि सेक्शन 15 अपने आप में काफी नहीं है ये सारी बातें बताने के लिए, साथ ही में क्या है आपके पास कुछ रूल्स भी दिए गए हैं अंडर चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सीजीएसटी रूल्स। ठीक है, प्रिस्क्राइब्स द प्रोविजन फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो मतलब क्या हुआ कि जी दो यहां पे आपके पिलर हैं, एक है सेक्शन नंबर 15 और साथ ही में कुछ है आपके पास रूल्स, इन दोनों की मदद से ही आप वैल्यू ऑफ सप्लाई चाहे गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की हो चाहे जिस मर्जी सिचुएशन में हो आप कंप्यूट कर पाते हो। ठीक है सर, अब आ जाओ सेक्शन नंबर 15 के अंदर कूदी मारते हैं। क्या कह रहे हैं, सेक्शन नंबर 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट प्रोवाइड्स कॉमन प्रोविजंस फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट प्रोवाइड द मैकेनिज्म फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई विच इज मेड, कंडीशन आ गई। ठीक है ना, सेक्शन 15 क्या बात कर रहा है कि सेक्शन 15 जो आपको मैकेनिज्म बताएगा वो किस सिचुएशन में बताएगा, व्हेन वैल्यू ऑफ सप्लाई विच इज मेड बिटवीन अनरिलेटेड पर्सन, कंडीशन नंबर 1, एंड व्हेन प्राइस एंड ओनली द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई, मतलब कि भैया जो ये सप्लाई हुई है ये अनरिलेटेड पर्सन के बीच में होनी चाहिए, और दूसरा कि यहां पे जो कंसिडरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। व्हेन वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन नंबर 15, मतलब कि भैया अगर रिलेटेड पर्सन को दे रहे होगे तब तो आप सेक्शन 15 के हिसाब से नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, अगर प्राइस के अलावा और भी किसी फॉर्म में कंसिडरेशन होगा तब तो सेक्शन 15 नहीं लग पाएगा। तो कह रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी जब सेक्शन 15 जो है वो वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, एज ऑल्सो इन सर्टन स्पेसिफिक केसेज द सेम इज डिटरमाइंड यूजिंग चैप्टर 4, तो हमें कहां जाना पड़ेगा, चैप्टर 4 की मदद लेनी पड़ेगी जो कि रूल्स हैं डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सीजीएसटी। ठीक है, तो इन रूल की मदद से हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया, लेकिन क्या वो रूल आपको पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने हैं, तो वो देखो आपको कहां बताया जा रहा है, वो आपको बताया जा रहा है नोट्स के अंदर। जैसे ही यहां पे रूल की चर्चा हुई
तो उसके लिए आपको क्या दे दिया गया, एक नोट। चैप्टर फोर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सीजीएसटी रोल विल बी डिस्कस्ड एट द फाइनल लेवल, मतलब इंटर लेवल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उसका एक पार्ट पढ़ना है, सेक्शन नंबर 15। मतलब ऐसा कह लो कि वैल्यू ऑफ सप्लाई के दो पिलर हैं, एक है आपका सेक्शन 15 और दूसरे हैं आपके रूल्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 कब निकालेगा, जब अनरिलेटेड पर्सन के बीच में वो ट्रांजैक्शन हो रहा होगा और प्राइस जो होगा वही सिर्फ कंसिडरेशन होगा। इसके अलावा कोई और भी अदर सिचुएशन आएंगी, कोई और अदर अगर केसेस बनते हैं तो उस केस में हमें इन रूल्स की मदद लेनी पड़ती है, और ये रूल्स हमें पढ़ने को मिलेगा कहां पे, अपने फाइनल लेवल पे। और फिलहाल हम सिर्फ ये सिचुएशन देख के चलेंगे अपने इंटर लेवल पे। ठीक है सर, इतनी बात हमें क्रक्स के रूप में समझ में आ गई। जो सेक्शन नंबर 15 आप देख रहे हो सीजीएसटी एक्ट का, वही सेम टू सेम आपका सेक्शन नंबर 20 कहलाता है आईजीएसटी एक्ट का। अगर हम उस एक्ट को रेफर करें कि उस एक्ट के अंदर ये प्रोविजंस कहां पे मेंशन है, तो वो मेंशन है आपके सेक्शन नंबर 20 के अंदर। ठीक है, चलिए जी, तो ये तो मिल गया हमें ओवरव्यू। अब कोई भी सेक्शन, हमें ये पता लग गया कि इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ एक सेक्शन को कवर करना है, वो है सेक्शन नंबर 15। उसके प्रोविजंस देखने हैं, उसके स्टैच्यूटरी प्रोविजंस देखेंगे, उसकी एनालिसिस देखेंगे, उसके ऊपर इलस्ट्रेशंस देखेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और सेक्शन 15 हमें पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब किसी भी चैप्टर के सेक्शन को शुरू करने से पहले हमें कुछ देखने पड़ते हैं रेलेवेंट डेफिनेशंस, मतलब कि वो डेफिनेशंस, वो ऐसे टर्मिनोलॉजी जो कि आगे आने वाले सेक्शन के अंदर हमें यूज हुए हैं और उसको हमें पहले अलग से समझना जरूरी है कि उस पर्टिकुलर टर्म का क्या मतलब है। अगर हमें उस पर्टिकुलर टर्म का मतलब पता होगा तब जब हम आगे चल के उस सेक्शन को पढ़ेंगे तो हम अच्छे से अपने माइंड में एक फ्रेम तैयार कर पाएंगे कि अच्छा ये जो टर्म यहां पे यूज हो रहा है इस सेक्शन के अंदर, इसका जो डेफिनेशन है, इसकी जो मीनिंग है वो अलग दी हुई है और वो मीनिंग आपको ये बात बताती है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप एक चीज और ध्यान दो कि आप आ गए हो चैप्टर नंबर 5 पे, तो मतलब आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 पढ़ लिया, 5 का भी यूनिट 1 पढ़ लिया, अब यूनिट 2 पढ़ रहे हो और आपने हर चैप्टर में ये कॉमन चीज देखी कि भैया डेफिनेशंस दी होती है हमेशा सेक्शन शुरू होने से पहले। अब एक चीज और आपने क्या देखा कि कई सारी ऐसी डेफिनेशंस हैं जो कि आपकी रिपीट हो रही है, कई सारी आपकी ऐसी डेफिनेशंस हैं जो कि आपकी रिपीट हो रही है, जो आपने पीछे के चैप्टर्स में भी देखा और यहां वाले चैप्टर्स में भी देखने को मिल रहा है। एक आधा चीजें कुछ नहीं होती हैं, अदरवाइज चीजें काफी सारी रिपीट हो रही हैं। अब जब ये रिपीट हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि जो आईसीआई की मॉड्यूल बना रहे थे उनको नहीं पता था ये चीज कि हम रिपीट कर रहे हैं तो इसको नहीं रिपीट करना चाहिए? नहीं जी, उसको पता था, बट क्या है कि जिन जिन डेफिनेशंस की रिपीटेशन हो रही है वो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या है, स्टार मार्क डेफिनेशंस, मतलब कि वो डेफिनेशन कुछ ऐसे हैं जो कि हर सेक्शन में देखो यूज हो रहे हैं, इसलिए तो उसको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है ना, क्योंकि जब भी हम सेक्शन पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले उस डेफिनेशन को आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो सेक्शंस, वो डेफिनेशंस हो गए जो कि मल्टीपल सेक्शंस में इनकी यूजेस आ रही है। दैट मींस कि ये वो डेफिनेशन है जो कि बच्चे के दिमाग में बिल्कुल तमीज से उतर जाना चाहिए, इन डेफिनेशंस को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ये तो एक साइड हो गया, दूसरा साइड आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि ये वो डेफिनेशंस हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये वो डेफिनेशन है जो कि आपसे एग्जाम में पक्का पक्का पूछे जाएंगे। अब हो सकता है कि आपसे एजेंट पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे कंसीडरेशन पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे मनी पूछ लिया जाए, लेकिन पूछे जरूर जाएंगे। तो आपको डेफिनेशंस में वो डेफिनेशन एटलीस्ट जो कि बहुत बार रिपीट हो रहे हैं मल्टीपल चैप्टर्स में, मल्टीपल सेक्शंस के पहले उसको आपको पढ़ना पड़ रहा है, तो उसको आपको अच्छे से अपने दिमाग में फ्रेम आउट कर लेना है ताकि अगर वो एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता हो। अब आपके मन से एक सवाल आएगा ये कि सर ऐसा कैसे होगा, ये हमसे डेफिनेशन थोड़ा पूछेंगे, हम इतने भी बच्चे थोड़ा हमसे पूछेंगे बताओ एजेंट क्या होता है, बताओ कंसीडरेशन क्या होता है, बताओ मनी क्या होता है। नहीं, बहुत रेयर चांस होगा कि आपसे डायरेक्टली डेफिनेशन पूछा जाएगा। आपसे पूछा कैसे जाएगा, आपको दी जाएगी एक केस स्टडी। आपको क्या दी जाएगी, एक केस स्टडी दी जाएगी, जो कि केस स्टडी जो होगी वो पूरी की पूरी डिवोटेड होगी लेट से एजेंट के ऊपर, मतलब एक सिचुएशन लिखा होगा जो कि पूरा का पूरा रिलेट कर रहा होगा एजेंट को, या फिर एक सिचुएशन लिखी होगी जो पूरा का पूरा रिलेट कर रहा होगा आपके कंसिडरेशन को। अब जब आप इस सिचुएशन को पढ़ोगे तो आप उसके क्रक्स में आओगे, इसके जवाब में आओगे कि ये सिचुएशन सही कह रहा है या गलत कह रहा है एज पर एजेंट या एज पर कंसिडरेशन, और आप अपना उसका आंसर लिखना शुरू करोगे कि भैया ये सिचुएशन जो है ये कितनी सही है, कितनी गलत है, या पूरी सही है या पूरी गलत है। लेकिन मुद्दा ये है कि जब आप उस सिचुएशन, उस केस स्टडी का आंसर लिखोगे तो आपको पहले उसका प्रोविजन डिस्कस करना पड़ेगा, जो कि किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करने का तरीका होता है कि पहले आप उसका प्रोविजन डिस्कस करते हो, फिर उस प्रोविजन को आप रिलेट करते हो सिचुएशन के साथ, और फिर जाके आप अपना कंक्लूजन वहां पे फ्रेम करते हो। ठीक है, तो जब आपको ये प्रोविजन लिखना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो यहां पे ये बात पढ़ रहे हो ये बात आपको वहां पे कोट करनी पड़ेगी।
ठीक है, तो डायरेक्टली आपसे कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उस डेफिनेशन के बेस्ड पे आपको केस स्टडी पूछी जाएगी, जहां पे आपको उस डेफिनेशन को वहां पे कोट करके चलना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल ये है कि सर बिल्कुल एग्जैक्ट रट लें क्या? तो देखो, अगर आपकी कैपेबिलिटी है रटने की तो नो डाउट रट लो, उससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको डेफिनेशन पूरा पूरा रट लेना है। उसके अंदर के जो एसेंशियल टर्म्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो आपको कोई कुछ कह नहीं रहा, कोई इतनी कोई मारामारी नहीं हो जाएगी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, बट कहीं ना कहीं ये डेफिनेशंस हैं, तो इसलिए अगर आप इसको बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में रट लोगे तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, उससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। अब कुछ एक डेफिनेशन मैंने कहा है जो रिपीट हो रहे हैं वो रट लो यार, चार पांच अगर डेफिनेशन आपको ऐसे दिख रहे हैं जो कि मल्टीपल टाइम्स हर एक चैप्टर में जगह जगह पे जिक्र आ रही है, जब आप क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां पे भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट मीन्स वो इशारा है कि आपको वो याद कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वो आपको पूछा जा सकता है, उसके पूरे के पूरे आसार हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं आप पूछोगे तो सबसे टॉप पे मैं कहूंगा कंसिडरेशन, ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो कि आपको रट ही लेनी चाहिए, ये मेरी सलाह है आपको। चलिए जी, ये तो होगी बहुत सी इधर उधर की बातें, अब आते हैं एजेंट की डेफिनेशन के ऊपर। फटाफट से डेफिनेशन वाला एरिया खत्म करते हैं, फिर ब्रेक लेके फिर दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। देखिए, ये एजेंट क्या कह रहा है, ये आप पीछे पढ़ चुके हो, ठीक है ना, पढ़ चुके हो आप पीछे, कोई नई बात नहीं है। एजेंट मींस अ पर्सन इंक्लूडिंग, अब यहां पे इंक्लूडिंग में बहुत सारे नाम हो गए, तो ये नाम आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि एजेंट में ये लोग इंक्लूड होते हैं या नहीं होते। पहला आ रहा है फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, आरतिया, डल ग्रेडर एजेंट, एन ऑक्शनियर और एनी अदर मर्केंटाइल एजेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, किसी भी नाम से इनको जाना जाए, मर्केंटाइल एजेंट होना चाहिए, मतलब कि आपकी बिजनेस में आपकी जो सेल परचेज या जो भी मूवमेंट होती है उसके अंदर आपकी ये मदद करते हैं, आपके बिहाफ पे ये काम करते हैं। ठीक है, हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ द सप्लाई रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ठीक है जी, वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किस चीज का, सप्लाई का, रिसिप्ट ऑफ गुड्स का, रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज का, या फिर दोनों का, किसके बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, दैट इज ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, जिसको आप प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, तो किसी के बिहाफ पे अगर कोई लोग, कोई भी पर्सन इस टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और उनके इन सारे नामों से वो जाने जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके एजेंट। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं है, आप आराम से इसको याद कर सकते हो। इसको देखो बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पे पिक्चराइज किया गया है, इंपॉर्टेंट है इसको समझना। एजेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है, फैक्टर। अब फैक्टर सर क्या होता है, तो फैक्टर में फिलहाल आपको यहां नहीं बताऊंगा, आपको मैं बता देता हूं कि आप जब अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे तो वहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा, फैक्टरिंग। ठीक है, वो फैक्टरिंग एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर एक एजेंट यूज होता है जिसको हम कहते हैं फैक्टर। ठीक है, तो फिलहाल यहां पे डीप में नहीं जा रहा हूं, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपना पढ़ोगे वहां पे आपको ये कोरिलेट हो जाएगा, आपके समझ में आ जाएगा, आपने पढ़ रखा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगला ब्रोकर है, आपको पता है क्या होता है, कमीशन एजेंट आपको पता है क्या होता है, आरतिया क्या होता है, तो जब फार्मर के सेंस में जब डील किया जाता है, सपोज करो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जब फार्मर से कोई परचेज करती है तो उसके बीच में एक आरतिया का रोल आता है जो कि कमीशन बेसिस पे काम करता है, फार्मर्स और एफसीआई के काम को आसान करने के लिए, फार्मर्स को ज्यादा मारामारी ना हो तो फार्मर से वो परचेज कर लेता है सारा का सारा फूड ग्रेन और वो आगे चल के एफसीआई को बेच देता है, बीच में उसका कमीशन का मार्जिन होता है, तो उसको हम कहते हैं आरतिया, जो कि कहीं ना कहीं एक प्रकार का एजेंट ही हो गया। डल के एजेंट आपको पता है, आपने पीछे इसी कोर्स के दौरान आपने इसके ऊपर काफी डीप में चर्चाएं सुनी है। ऑक्शनर क्या होता है, जो ऑक्शन कराने के फंक्शन को स्मूथ करता है और बीच में अपना कमीशन रखता है। मर्केंटाइल एजेंट या फिर किसी और फॉर्म का एजेंट जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के अंदर आपकी हेल्प कर रहा है, सप्लाई के अंदर, रिसिप्ट ऑफ गुड्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर, एज द केस में। ठीक है सर, तो ये सारे तो नाम हो गए, ये सारे लोग हैं, पर्सन है जो कि इन नाम से जाए जाते हैं। हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, क्या कर रहे हैं जी, बिजनेस कर रहे हैं सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ का, क्या खुद के लिए कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, किसी और के बिहाफ पे कर रहे हैं, ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन एन अदर। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन, आपको जब इस तरीके से पिक्चराइज कर दिया जाता है तो याद करना कहीं ना कहीं आसान हो जाता है, इसलिए इंस्टीट्यूट इतनी मेहनत कर रहा है तो आपको भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए। चलिए जी, अगली डेफिनेशन देते हैं सेस। देखो सेस में कुछ बताया तो इन्होंने है नहीं, ऐसे लिख दिया यहाँ पे, क्या कह रहे हैं, शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू इट इन दी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट। कह रहा है कि भैया इस एक्ट के अंदर जो मीनिंग दी गई है सेस की, वही मीनिंग हम मान के करेंगे सीजीएसटी एक्ट के अंदर भी। तो फिलहाल आपको यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया गया तो आप इसके लिए ज्यादा मतलब बाउंड नहीं हो, ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। अगली डेफिनेशन आती है कंसिडरेशन, ये हम सब पीछे बहुत बार पढ़ चुके हैं, यहां भी आ गया और पता नहीं आगे भी कई बार आएगा, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और एक्चुअली ये डेफिनेशन ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा रेलेवेंट है जीएसटी एक्ट के अंदर, एक बहुत बड़ा एसेंस प्ले कर रहा है, तो आपको ये याद होना चाहिए। इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड होता है, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज। ठीक है जी, कोई भी पेमेंट की है आपने
चाहे मनी के फॉर्म में चाहे किसी और फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, मतलब कि भैया सप्लाई से रिलेटेड किसी भी मुद्दे के ऊपर अगर आपको कोई पेमेंट करनी पड़ी है, चाहे वो सप्लाई गुड्स का, सर्विसेज का है, बोथ का, वेदर बाय रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, मतलब कि जो पेमेंट कर रहा है ये हो सकता है रिसिपिएंट कर रहा हो या फिर कोई और व्यक्ति भी कर सकता है। ऑल्दो हमने इसको डीप में पढ़ा हुआ है, बट एक बार फिर से पढ़ ले रहे हैं, हमने पीछे इसको करा हुआ अच्छे से कवर। बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी, तो ये तो डेफिनेशन हो गई इसकी, बट इसके अंदर क्या कह रहा है कि भैया ये इंक्लूड नहीं होता। क्या इंक्लूड नहीं होता? कोई भी सब्सिडी जो हमें मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, तो वो आपका कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होता। दूसरा पार्ट, अब पहले में पेमेंट की बात आ गई, दूसरी बात कर रहा है मॉनिटरी वैल्यू, द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एन एक्ट और फोरबियरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सेम कहानी है, वेदर बाय रिसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, सेम कहानी है, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेम कहानी है। मतलब क्या हुआ कि यूनिक थिंग इज दिस ओनली कि द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फोरबियरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ, फिर यहां से कॉमन चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप कोई उसकी पेमेंट कर रहे हो या उसके बदले कोई भी आप मॉनेटरी वैल्यू अदा कर रहे हो या फिर कोई भी एक्ट है या फिर कोई फोरबियरेंस है, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं कंसिडरेशन का ही पार्ट होता है। आपने यहां पेमेंट नहीं करा है लेकिन आपने कोई काम उसके बदले किया है या फिर काम नहीं कर रहे हो, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं कंसिडरेशन है। जैसे आप देखते थे कि आप कॉम्पिटिशन को अवॉइड करने के लिए भी कंसिडरेशन पे करते हो, तो दूसरा वाला बंदा उसके बदले क्या कर रहा है कि वो काम नहीं कर रहा जिसके लिए उसको पेमेंट मिल रही है। तो एज द केस में भी की सिचुएशन यहां पे फ्रेम हो सकती है, ठीक है सर। ये दो पॉइंट आ गए। प्रोवाइडेड दैट, अब आपने एक डिपॉजिट वाला पॉइंट देखा था कि भैया डिपॉजिट जो होता है वो ऑल्दो आपका कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होता, कब तक? अनलेस सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन, मतलब कि जो सप्लायर है जिसको आपने वो डिपॉजिट दिया हुआ है वो जब तक उसको कंसिडरेशन ना मान ले तब तक वो आपका कंसिडरेशन का पार्ट नहीं कहलाता, ठीक है। तो प्रोवाइडेड दैट डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज पेमेंट, उसको पेमेंट नहीं मानेंगे, मेड अनलेस फॉर सच सप्लाई, अनलेस द सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर दी सेट सप्लाई, अनलेस कि भैया जो सप्लायर है आपका वो उसको एज अ कंसिडरेशन एडजस्ट कर ले उस डिपॉजिट को, तो वो कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। पिक्चराइज कर दिया गया इसी को बहुत अच्छे तरीके से कि पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर दी सप्लाई, नंबर वन इज थिंग पेमेंट है, ठीक है जी, किसके द्वारा? बाय रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, कोई भी कर सकता है। और इसके अंदर हम एक्सक्लूड किसको करते हैं? सब्सिडी को। इसके अंदर किसको एक्सक्लूड करते हैं? सब्सिडी को। लेकिन सब्सिडी भी कौन सी वाली? जो आपको मिली हो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से। ये इंपॉर्टेंट है यहां पे, क्यों? क्योंकि अभी आप जब वैल्यूएशन करोगे तो आपको पता लगेगा कि अगर इन दोनों के अलावा किसी और से अगर सब्सिडी मिल रही हो तो वो एक्सक्लूड नहीं होती है, वो इंक्लूड होती है। वो एक्सक्लूड नहीं होती है, वो इंक्लूड होती है। तो इसलिए सब्सिडी में आपको ध्यान रखना जरूरी है कि सब्सिडी अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से ही मिलेगा तभी वो एक्सक्लूड होगा, अदरवाइज वो एक्सक्लूड नहीं होगा। अच्छा जी, फिर इसी के अंदर दूसरा पैरामीटर क्या था? प्रोवाइडेड वाला, डिपॉजिट वाला पॉइंट, कि डिपॉजिट जो होगा उसको हम पेमेंट मानेंगे सिर्फ तब, मतलब कि इन जनरली हम डिपॉजिट को पेमेंट नहीं मानते, लेकिन मान लिया जाएगा तब जब जो सप्लायर है उसको अप्लाई कर ले उस डिपॉजिट को एज अ कंसिडरेशन फॉर दी सेड सप्लाई, तो उस केस में मान लिया जाएगा। ये तो पेमेंट वाला ही दायरा था। फिर आपने देखा था दूसरा पॉइंट इसके अंदर मॉनेटरी वाला, जिसके अंदर आपको पता लगा था कि सारी चीजें सेम ही चल रही है, सारी चीजें सेम ही चल रही है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट एक एक्स्ट्रा आ जाता है, पेमेंट के बदले आपने क्या करा है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस फॉर दी सप्लाई, ठीक है। सप्लाई के लिए आपकी कोई मॉनेटरी वैल्यू गई है किसी भी एक्ट के तहत या फिर किसी भी फॉरबियरेंस के तहत, मतलब कोई भी एक्टिविटी आपने परफॉर्म करी है या फिर कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो और उसके बदले आपको कंसिडरेशन मिल रहा है, वो आपका एक काइंड ऑफ सप्लाई है। चलिए सर, तो ये हो गया। पर्सन क्या होता है सर? ये तो और बड़ा ही कह लो बोरिंग डेफिनेशन है जिसके अंदर आप रटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत पुराना और बहुत ही मतलब फीका है एक तरीके से हो चुका है, बट स्टिल आपके माइंड में एटलीस्ट ये बातें तो होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें पर्सन के अंदर इंक्लूड होती है। तो इंडिविजुअल पर्सन में आता है HUF आता है, कंपनी फॉर्म LLP आती है, AOP आता है, BOI आता है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ठीक है। एनी कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर दी सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट और प्रोविंशियल एक्ट और गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये भी आपके पर्सन के अंदर आ गए। एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय अंडर दी लॉज ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया, अ कॉपरेटिव सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड होते हैं कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत, लोकल अथॉरिटी हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सोसाइटीज हो गए जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत आते हैं, ट्रस्ट हो गए, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन
एनी ऑफ दी अबव, मतलब कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होगा जो ऊपर कवर नहीं होता, तो वो भी आपका इस पॉइंट के अंदर कवर हो जाता है। तो काफी ब्रॉड डेफिनेशन है, कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी टाइप की कोई भी एंटिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल है तो वो आपका पर्सन के अंदर फॉल करता ही है। ठीक है, चलिए सर, ऐसी आपने डेफिनेशन अपने इनकम टैक्स में भी पड़ी हुई है, तो आप ऐसा नहीं है कि इससे बहुत ज्यादा नए हो, आपने सुनी हुई है ये बातें। आते हैं नेक्स्ट मनी के अंदर। ये मनी भी हमने ऑल्दो पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन इस चैप्टर में इसका रेलेवेंस है, इस चैप्टर में इसका रेलेवेंस है। कंसिडरेशन और मनी, ये दो ऐसे टर्म है जिसका ज्यादा रेलेवेंस है। एजेंट तीसरे नंबर पे है जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो मनी आपने क्या देखा था कि मनी मींस द इंडियन लीगल टेंडर, मतलब कैश, और एनी अदर फॉरेन करेंसी, मतलब कैश है चाहे वो इंडियन फॉर्म में हो चाहे फॉरेन करेंसी हो, बट यहां पे कैश की बात कर रहे हैं। उसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं है कि कैश ही मनी होता है, चेक है वो भी मनी है। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रेवलर्स चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, और भी कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसको कि रिकॉग्नाइज किया गया हो किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, तो वो भी आपका मनी कहलाएगा। व्हेन यूज्ड एज अ कंसिडरेशन टू सेटल एन ऑब्लिगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया उसको यूज किया जाएगा एज अ कंसिडरेशन जिससे कि हमारी ऑब्लिगेशन सेटल हो सकती है, और एक्सचेंज विद इंडियन लीगल टेंडर ऑफ अनदर डेनोमिनेशन, बट मतलब कि उसको और किसी डेनोमिनेशन में, जैसे 100 के नोट को आप 20-20 रुपए के 5 नोट ले सकते हो, आपका 2000 का नोट होगा तो आप 500 के 4 नोट ले सकते हो, तो इस टाइप के एक्सचेंज करने में वो काम आएगा, दैट मींस वो मनी है। चेक के बदले आपको कैश मिल सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले आपको चेक मिल सकता है या कैश मिल सकता है, इस टाइप की एक्सचेंज होना उनकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। बट शैल नॉट इंक्लूड एनी करेंसी दैट इज हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मैटिक वैल्यू। आपको पता है कि कोई भी करेंसी ऐसी है जो कि न्यूमिस्मैटिक वैल्यू के लिए उसको रखा गया है, प्रिजर्व किया गया है, कोई पुराने जमाने की करेंसीज वगैरह, तो उसको आप मनी में इंक्लूड नहीं करते हो। ठीक है, चलिए जी, इसी को फिर से पिक्चराइज कर दिया गया। देखो क्या क्या चीजें आ गई, इंडियन लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी, चेक, प्रोविजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रेवलर्स चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस, या फिर कोई और भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको कि आरबीआई ने रिकॉग्नाइज कर रखा हो। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ये मनी के अंदर इंक्लूड होते हैं। व्हेन, कब, यूज्ड एज अ कंसिडरेशन टू सेटल एन ऑब्लिगेशन, पहला कि यूज किया जाएगा, दो पर्पस है इसका, पहला कि ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए, या फिर एक्सचेंज विद इंडियन लीगल टेंडर ऑफ एनी अदर डेनोमिनेशन। ठीक है सर, और एक्सक्लूड आपको क्या करके चलना है इसके अंदर, करेंसी हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मैटिक वैल्यू। तो आपको इस तरीके से इसको याद करना होता है कि मनी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है, उसका पर्पस क्या है, और उसमें से क्या ऐसी चीजें जो कि आपको एक्सक्लूड करने के लिए कहा गया है। तो इस तरीके से आप जब उसको तोड़ दोगे तो आपको याद करना कहीं ना कहीं वो आसान हो जाता है। ठीक है सर, तो ये मोटे मोटे आपके डेफिनेशन थे जो कि आपको पढ़ने थे सेक्शन 15 को शुरू करने से पहले। साथ ही में आपको ये भी कहा जा रहा है कि भाई साहब ऐसा नहीं समझ लेना कि हमने आपको यहाँ पे 5-6 डेफिनेशन दे दी तो आप मान लो कि इतना काफी है, ना 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 ना। अदर रेलेवेंट डेफिनेशन लाइक दैट ऑफ रिसिपियंट, सप्लायर, ईटीसी, इस टाइप से कुछ डेफिनेशन है जो कि हमने जस्ट चैप्टर नंबर 5 के ही यूनिट नंबर 1 में पढ़ी थी, उसको इन्होंने यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं किया। ऑल्दो ये कई डेफिनेशन ऐसी हैं जो चैप्टर नंबर 4 में थी, 3 में थी, उसको ये रिपीट कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि भैया चैप्टर 5 के ही यूनिट 1 में जब हमने जिसको डाल दिया था उसी को हमने यूनिट 2 में डालने की जरूरत नहीं की है। तो इसलिए ऐसा ना समझे कि यूनिट 2 में जितने डेफिनेशन दिए गए वही काम के हैं, बाकी भी रेलेवेंट डेफिनेशन है जैसे कि रिसिपिएंट, सप्लायर, ईटीसी, मे बी उसको आप रेफर करोगे कहां से, फ्रॉम द डेफिनेशंस गिवन इन यूनिट 1 ऑफ दिस चैप्टर जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, किस तरीके से आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर लेके चलेगा, क्या क्या डेफिनेशन थी जो कि काम की थी और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, एक ओवरव्यू आपको मिल गया। अब आगे चल के हम अगले पार्ट में शुरू करेंगे इसके बकायदा स्टैच्यूटरी प्रोविजंस को कि आपका सेक्शन नंबर 15 बकायदा क्या कहता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।